हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को सुपर मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आज अगला पार्ट हम बना रहे हैं। पिछले वीडियो में हम बताए थे कि ई नॉट सेल बराबर ई राइट यानी ई नॉट राइट माइनस ई लेफ्ट यानी राइट माइनस लेफ्ट। राइट में आपको पता है कि कैथोड होता है, कैथोड का विभव और एनोड के विभव के अंतर को सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसमें आज देखेंगे हम कि यदि आपका ई नॉट सेल बराबर आपका पॉजिटिव प्राप्त होता है, ई नॉट सेल बराबर आपका क्या प्राप्त होता है, पॉजिटिव प्राप्त होता है, तो इसका मतलब है कि आपका सेल का जो रिएक्शन होगा वो संपन्न होगा अर्थात संभव होगा। और जब आपका ई नॉट सेल बराबर अगर नेगेटिव प्राप्त होता है तो इसका अर्थ यह हुआ कि सेल में रिएक्शन संभव नहीं होता है अर्थात सेल में कार्य भी संभव नहीं होगा। तो दो बात आप ध्यान देंगे, ई नॉट सेल बराबर पॉजिटिव यानी मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान अगर पॉजिटिव आता है तब हम समझेंगे कि वह सेल में रिएक्शन संभव है। अगर ई नॉट सेल बराबर अगर नेगेटिव आता है तो हम समझेंगे कि उस सेल में रिएक्शन संभव नहीं होगा। तो एक बात आपका क्लियर हो गया कि ई नॉट सेल बराबर अगर पॉजिटिव हो तो सेल का रिएक्शन संभव होगा, अगर ई नॉट सेल बराबर नेगेटिव प्राप्त हो तो इसका मतलब है कि सेल में रिएक्शन संभव नहीं होगा। तो फिर इसको हम देखते हैं कि जब हमको ई नॉट सेल बराबर अगर पॉजिटिव प्राप्त होता है तो रिएक्शन में क्या क्या संभव हो सकता है। जब हमको ई नॉट सेल बराबर हमको प्राप्त हो पॉजिटिव तो यहां से देखेंगे बाबू, ई नॉट सेल बराबर पॉजिटिव प्राप्त हो तो समझेंगे कि पहला पॉइंट आपका होगा कि गिब्स ऊर्जा यानी गिब्स फ्री एनर्जी जिसको हम लोग सूचित करते हैं डेल्टा जी से, तो डेल्टा जी बराबर आपका होगा नेगेटिव, डेल्टा जी बराबर नेगेटिव। अब आपको याद करना है कि गैल्वेनिक सेल में हम बताए थे कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन संपन्न होता है अर्थात उसमें स्वतः रिएक्शन संपन्न होता है। कब? जब ई नॉट सेल का मान अगर पॉजिटिव आता है तो सेल में क्या क्या संभव हो सकता है, तो आपका गिब्स एनर्जी नेगेटिव होगा, इसमें स्वतः रिएक्शन संपन्न होगा। तीसरा बात समझेंगे कि तीसरा बात है कि सेल कार्य कर रहा है। कब? जब ई नॉट सेल का मान पॉजिटिव आएगा तब। चौथा पॉइंट समझेंगे बाबू, ई नॉट सेल यदि आपका पॉजिटिव प्राप्त होता है तो सेल में क्या क्या संभव हो सकते हैं, तो उसका गिब्स फ्री एनर्जी यानी गिब्स मुक्त ऊर्जा जो होगा नेगेटिव होगा, उस सेल में स्वतः रिएक्शन यानी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन संपन्न होता है। हम लिखे भी थे पिछले वीडियो में यह भी बताया थे कि गैल्वेनिक सेल में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन संपन्न होता है जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन संपन्न होता है। तो ये भी बताए थे कि अगर स्वतः अगर रिएक्शन करता है तो उसका अपना एनर्जी खत्म होगा, जैसे ही हम बताए थे कि अगर हम कार्य कर रहे हैं तो हमारा एनर्जी खत्म होगा तो हमारा एनर्जी जो होगा वो निगेटिव की ओर जाएगा। अगर हमें बाहर से एनर्जी को लेकर के अगर कोई कार्य करते हैं तो एनर्जी पॉजिटिव की ओर जाता है, तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस।
तो अभी हम देख रहे हैं इनोट सेल बराबर अगर पॉजिटिव प्राप्त हो तो डेल्टा जी यानी गिब्स एनर्जी आपका नेगेटिव होगा, इसमें स्वतः रिएक्शन संपन्न होता है, सेल जो है कार्य कर रहा है। अगर नेगेटिव रहता तो इस सबका उल्टा लिखेंगे, समझेंगे यहां। दूसरा बात कि अगर आपका इनोट सेल बराबर पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि अभिक्रिया संभव होगा, अभिक्रिया संभव होगा, संभव होता है, यानी रिएक्शन आपका क्या होता है, पॉसिबल है, संभव है। दूसरा बात आपको हम बताए थे, देखेंगे यहाँ गैल्वेनिक सेल के फिगर आप देखेंगे इस तरह से था, दो गो कंटेनर था, एक लेफ्ट में था और एक राइट में था, इसको बोले थे ऑक्सीडेशन हाफ सेल, इसको बोले थे रिडक्शन हाफ सेल। इस कंटेनर में हम डाले थे जिंक का रड, जिंक धातु का रड हम डाले थे, तो जिंक धातु का हम ही बोले थे कि जिसका रड रहेगा उसी का विलयन रहेगा, तो किसका रहेगा बाबू, ZnSO4 का। इसमें हम डाले थे हम कॉपर, तो कॉपर धातु का ही रड है, तो कॉपर धातु का रड है तो कॉपर का ही विलयन रहेगा उसमें, तो कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 का घोल डालल था। अब इसको हम बोले थे एनोड और इसको बोले थे कैथोड, एनोड आपका नेगेटिव था, कैथोड आपका पॉजिटिव था, इसको हम तार के सहारे इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किए थे। अब उतना नहीं, इसको आप देखेंगे यहां हमको लिखना है क्या कि इनोट सेल बराबर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होगा तो बोलो, बताए थे कि एनोड जो होता है वह इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, त्यागना माने किसी का दे देना, अगर कोई अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देता है तो देने वाला का भार जो होगा, वेट जो होगा से कम जाता है, और जो लेगा उसका सांद्रता क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। तो देखेंगे यह रड इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है तो इसका भार में कमी आएगा और ZnSO4 की सांद्रता में वृद्धि होता है, क्यों, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो दे रहा है तो इसका भार घटेगा, और ई ZnSO4 इलेक्ट्रॉन यानी जिंक प्लस टू लेता है तो इसकी सांद्रता में क्या आएगा, वृद्धि। इधर आप देखेंगे कॉपर आपका क्या कर रहा था, कॉपर प्लस टू आयन को ग्रहण कर रहा था, तो ग्रहण मीन्स लेना, तो ग्रहण करेगा तो उसका भार में क्या होगा, वृद्धि होगा, तो किससे ले रहा है, CuSO4 से ले रहा है, तो जो देगा उसका भार में क्या आएगा बाबू, कमी आएगा, यानी CuSO4 की सांद्रता में कमी होता है। आप बताओ बाबू, इसको कहते हैं लेफ्ट हाफ सेल, लेफ्ट माने बाएं तरफ, इसको बोलते हैं लेफ्ट हाफ सेल और इसको बोलते हैं राइट हाफ सेल, राइट हाफ सेल, तो दोनों हाफ सेल मिलकर के एक पूर्ण सेल का निर्माण करता है जिसे गैल्वेनिक सेल कहते हैं। तब आप यहां देखेंगे लेफ्ट हाफ सेल में इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड हम कॉपर को ही बोल सकते हैं और जिंक को ही बोल सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोड कहने से एनोड और कैथोड दोनों का बोध होता है, तो लेफ्ट हाफ सेल में इलेक्ट्रोड के भार में कमी तथा जबकि उसके विलयन की सांद्रता में वृद्धि हो रहा है। पांचवा पॉइंट देखेंगे आप, लेफ्ट हाफ सेल में देखिएगा इलेक्ट्रोड के भार में कमी जबकि इसके विलयन की सांद्रता में वृद्धि होता है, तो यहां लिखे बाबू कि लेफ्ट हाफ सेल, के इलेक्ट्रोड, लेफ्ट हाफ सेल के इलेक्ट्रोड, लेफ्ट हाफ सेल में इलेक्ट्रोड के भार में, इलेक्ट्रोड के भार में कमी होता है, जबकि विलयन की सांद्रता, में वृद्धि होता है, देखेंगे बाबू यहां लेफ्ट हाफ सेल में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है से इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है, तो त्यागने के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन के भार में क्या होगा, कमी होगा, जबकि
कौन ग्रहण कर रहा है, ZnSO4 में आ रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब है कि इसका सन्दरता क्या होगा, बढ़ेगा। तो जबकि इसके विलयन की सन्दरता में क्या होता है, वृद्धि होता है। उसी प्रकार राइट सेल में आप देखेंगे छठा कि राइट सेल यानी दाएं तरफ, राइट सेल में इलेक्ट्रोड के बाहर, इलेक्ट्रोड बोले तो कौन बाबू, कॉपर का रड, बाहर में वृद्धि, जबकि विलयन की सांद्रता में, कमी होता है। देखेंगे बाबू क्यों, क्योंकि कॉपर का रड जो है से कॉपर सल्फेट से कॉपर प्लस टू आयन को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। तो हम कॉपर रड क्या कर रहा है, कॉपर प्लस टू आयन को ग्रहण कर रहा है, तो ग्रहण करना माने लेना, तो ले रहा है तो बढ़ेगा, और कौन दे रहा है, CuSO4 का विलयन, तो इसकी सांद्रता क्या होगा, कमेगा। तो राइट सेल में इलेक्ट्रोड के बाहर में कमी, तो जबकि विलयन की सांद्रता में क्या होती है, वृद्धि होती है। राइट सेल में इलेक्ट्रोड के भार में वृद्धि, जबकि विलयन की सांद्रता में कमी होता है। सातवां पॉइंट देखेंगे बाबू, आप सब पॉइंट हम किसके आधार पर लिख रहे हैं, ई नॉट सेल के आधार पर लिख रहे हैं। ई नॉट सेल के आधार पर इस पॉइंट को दर्शाया जा रहा है, लिखा गया है, बताया गया है कि ई नॉट सेल बराबर यदि हमको पॉजिटिव प्राप्त हो, यानी मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान प्लस में आता है, तो गिब्स एनर्जी आपका नेगेटिव होगा, उसमें उस सेल में स्वतः रिएक्शन संपन्न होता है, सेल कार्य कर रहा है। अगर नेगेटिव आता तो लिखते कि सेल कार्य नहीं कर रहा है। फिर है कि अगर पॉजिटिव इनोट सेल का मान अगर पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब है कि अभिक्रिया संभव है, यानी होता है। इसमें आप देखेंगे गैल्वेनिक सेल में कि एनोड इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो दे देता है तो क्या होगा, घटेगा। जैसे हम अपना विषय कुछ दें किसी को तो घटेंगे हम, और जो लेगा वो बढ़ेगा, आप समझते हैं बिल्कुल इसको। लेफ्ट हाफ सेल में इलेक्ट्रॉन के भार में कमी होता है, जबकि विलयन की सांद्रता में वृद्धि होता है। राइट सेल में देखेंगे बाबू, राइट हाफ सेल लिखेंगे इसको, राइट हाफ सेल में इलेक्ट्रॉन के भार में वृद्धि, क्योंकि आयन को यह ग्रहण कर रहा है, जबकि इसकी सांद्रता में कमी होता है। लास्ट पॉइंट बाबू, लास्ट पॉइंट ई कि सेल में विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, यानी लिखेंगे कि धारा का प्रवाह हो रहा है। तो ई आपका पॉइंट हो गया, इसको नोट करेंगे कि ई नॉट सेल यानी मानक इलेक्ट्रॉन विभव का मान यदि पॉजिटिव आता है तो इस इतना बात संपन्न होता है, यानी इतना पॉइंट आप लिख सकते हैं मानक इलेक्ट्रॉन विभव कब, जब पॉजिटिव आएगा तब, कि गिब्स एनर्जी नेगेटिव, इसमें स्वतः रिएक्शन संपन्न होता है, सेल कार्य कर रहा है, अभिक्रिया संभव होता है। लेफ्ट हाफ सेल में इलेक्ट्रॉन के भार में वृद्धि कमी होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, जबकि वह उसके विलयन की सांद्रता बढ़ता है। राइट हाफ सेल में इलेक्ट्रॉन का भार में वृद्धि होता है, जबकि उसके विलयन की सांद्रता में कमी होता है। तो इसको नोट करें, तो फिर आगे देखते हैं बाबू। चलो देखें बाबू आगे इसमें, देखेंगे एक क्वेश्चन देखेंगे बाबू कि ZnO2Zn का इलेक्ट्रॉन विभव आपका मान दिया हुआ है 0.76 वोल्ट। आपका जिंक का इलेक्ट्रॉन यानी दिया हुआ है कितना, -0.76 वोल्ट, तथा आपका दिया हुआ है ई नॉट कॉपर प्लस टू चेंज टू कॉपर बराबर आपका दिया हुआ है +0.34 वोल्ट।
तब कहता है हमको कि मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करें। आपका विवेक क्वेश्चन है, कई बार पूछल भी ऑब्जेक्टिव में आपका, तो इतना और इतना का मान दिया हुआ है, हमको निकालना है ई नॉट सेल का मान। तो हमको निकालना है ई नॉट सेल यानी मानक इलेक्ट्रोड विभव बराबर वाट। तब एक बात रहा कि मानक इलेक्ट्रोड विभव में राइट लेफ्ट, राइट और लेफ्ट यानी राइट माइनस लेफ्ट होता है। तब हम देखेंगे कि इसमें हम जानेंगे कैसे कि कौन राइट होगा कौन लेफ्ट होगा। तो एक बात समझ ले बाबू, जिसका मान कम होता है, जिसका मान कम होता है वह लेफ्ट में होगा और जिसका मान ज्यादा होगा वह राइट में होगा। तो देखेंगे बाबू, जिंक का जो मान है -0.76 वोल्ट वो आपका +0.34 वोल्ट से क्या है, कम है, और ये आपका क्या है बाबू, ज्यादा है। तो ये आपका जो होगा वो लेफ्ट की ओर होगा और जो ज्यादा है से राइट की ओर होगा। अब रहा बात कि लेफ्ट में क्या होता है, आपको पता है कि गैल्वेनिक सेल के लेफ्ट में एनोड प्लेट होता है, तो एनोड प्लेट पर ऑक्सीडेशन होता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जिंक आपका जिंक आयन में बदल जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आपका मुक्त कर देगा, यानी कौन रिएक्शन बाबू, ओआर रिएक्शन। ओआर माने ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ये आपका कहां रहे बाबू, लेफ्ट में। ये आपको पता है कि गैल्वेनिक सेल में बाएं तरफ ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है, क्यों, क्योंकि एनोड इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। अब आपको पता है कि लेफ्ट में आपका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, उसके बाद आप राइट जाएंगे तो आपका कैथोड प्लेट मिलता है, तो कैथोड प्लेट क्या करता है, रिडक्शन अभिक्रिया कराता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और कॉपर मुक्त करेगा इलेक्ट्रोड पर, तब इसको कहेंगे रारा रिएक्शन यानी रिडक्शन रिएक्शन, ये आपका राइट तरफ हो रहा है। अब इसमें आप देखेंगे, हम बताएं कि जिसकी मात्रा कम है वो लेफ्ट होगा, जिसका मात्रा ज्यादा है वो राइट होगा। तो देखेंगे बाबू, जिसकी मात्रा कम है वो लेफ्ट, जिसका मात्रा ज्यादा है वो राइट। अब आप जाएंगे पीछे फ्रॉम फॉर्मूला से, तो फ्रॉम फॉर्मूला आपका क्या है बाबू, फ्रॉम फॉर्मूला यानी सूत्र से आप क्या देखे हैं कि ई नॉट सेल बराबर आपका मिलता है राइट यानी ई नॉट आर यानी राइट माइनस ई नॉट एल। तो देखेंगे यानी कैथोड का विभव और एनोड के विभव। अब हमको निकालना है ई नॉट सेल, देखेंगे यहाँ क्वेश्चन ई नॉट सेल बराबर वाट। तो देखेंगे बाबू आर का मान यानी आर आपका कितना दिया हुआ है, 0.34 आपका दिया हुआ है माइनस, लेफ्ट आपका कितना दिया हुआ है -0.76 वोल्ट आपका दिया हुआ है। तो ई नॉट सेल बराबर हो जाएगा आपका 0.34 माइनस माइनस प्लस 0.76, तो आपको मिलेगा 6 4 10 4 3 7 7 3 10 और 1 11 यानी 1.10 वोल्ट आपको मिला। तो समझेंगे इधर बाबू, ई नॉट सेल का मान आपका मिला कितना, 1.10 वोल्ट, प्लस में कि माइनस में। अब देखेंगे आपका ई नॉट सेल का मान आपका पॉजिटिव मिला, +1.10 वोल्ट मिला, तो इसका मतलब ये हुआ कि सेल में रिएक्शन संभव होगा, इसका गिब्स एनर्जी 0 होगा, इस सेल में विद्युत धारा का प्रवाह होगा यानी हो रहा है, इस सेल में अभिक्रिया संभव है, तो इसलिए लिखेंगे कि यह अभिक्रिया संभव है, यह अभिक्रिया संभव है। समझे बाबू, इसको फिर से देख लेंगे आप कि जिसकी मात्रा कम है वो लेफ्ट रहेगा, जिसकी मात्रा ज्यादा है वो राइट होगा। आपको गैल्वेनिक सेल में याद है कि लेफ्ट माने बाएं तरफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है और दाएं तरफ यानी राइट में आपका रिडक्शन रिएक्शन होता है, लेफ्ट में मात्रा कम रहेगा राइट में मात्रा ज्यादा रहेगा। सूत्र से आपको याद है कि ई नॉट सेल बराबर ई नॉट आर माइनस ई नॉट एल,
तो आर का मान आपका दिया हुआ है प्लस 0.34, माइनस आपका यहाँ भी लेफ्ट का मान दिया हुआ है माइनस माइनस प्लस, दोनों को जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 1.10 वोल्ट, यानी ई नॉट का मान आपका क्या मिला, पॉजिटिव मिला। इसलिए आप कहेंगे कि यह अभिक्रिया संभव है या इसमें अभिक्रिया संभव है। इसका गिब्स एनर्जी आपका नेगेटिव होगा, गिब्स एनर्जी नेगेटिव होगा, धारा प्रवाह होगा, यानी धारा का प्रवाह हो रहा है। अगर इसको बनाने से हमको नेगेटिव आता तो लिखते कि अभिक्रिया संभव नहीं हो रहा है। तो इस तरह से आप इसको उतारे तो आप इस तरह से एक बात और सुनेंगे, इस तरह से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है आपका किताब में, उसको आप बनाएंगे और हम बनाएंगे इसमें आपको देंगे हम चार्ट बना करके कि आप इतना बात तक क्लियर है कि लेफ्ट में मात्रा कम और राइट में मात्रा ज्यादा, तो जिसकी मात्रा ज्यादा वो राइट में, जिसकी मात्रा कम वो लेफ्ट में। और आपका फॉर्मूला है ये, आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी दे सकते हैं, रिडक्शन रिएक्शन भी दे सकते हैं, इसलिए कि लेफ्ट में ऑक्सीडेशन राइट में रिडक्शन, आपका फॉर्मूला ही है, रख करके बनाएंगे। हमको पॉजिटिव मिला, इसका मतलब कि अभिक्रिया संभव है। तो इसको नोट वाले आगे देखते हैं, नोट पॉइंट समझेंगे आप। इलेक्ट्रोड विभव देखेंगे बाबू। इसमें हम इसको दो फंडामेंटल रूप में बांटते हैं, आप समझेंगे इसको। एक बोले थे, एक आपका होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड विभव, एक होता है आप क्या बाबू, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एक होता है आपका नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखेंगे बाबू, इसको कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव, इसको बोलते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव, और इसको बोलते हैं सामान्य इलेक्ट्रोड विभव। तो देखेंगे बाबू, यहां आप इलेक्ट्रोड विभव को दो फंडामेंटल बेसिक रूप से इसको बांटे। आप पढ़े पिछले वीडियो में हम पढ़ाए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आप देखे थे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के अंतर्गत लिया गया। आप इसमें पिछले वीडियो में हम बताए थे कि मानक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में तीन चीज फिक्स रहेगा, ताप, दाब और सांद्रण, जबकि नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में ताप, दाब, सांद्रण फिक्स नहीं रहेगा। यानी किसी भी ताप, किसी भी सांद्रण, किसी भी दाब पर आप मानक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की गणना कर सकते हैं, जबकि मानक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में ऐसा नहीं था, इसमें फिक्स था, मान करके फिक्स कर दिया गया था। यानी इसमें आपका टेम्परेचर था 298 केल्विन जो फिक्स था, इसमें आपका सांद्रण यानी कॉन्सेंट्रेशन था एक मोल या मोलर कहो, यहां देखेंगे दाब आपका था कितना 1 एटीएम या 1 बार। तो देखेंगे बाबू, इसमें आपका फिक्स है कि इतना ही पर आपको निकालना है, एकदम फिक्स है कि इतना ही पर ज्ञात करना है, ना इससे ज्यादा लेना है ना कम लेना है। यानी फिक्स कर दिया गया था कि आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए आपको ताप को 298 केल्विन, सांद्रण को 1 मोल, पी को 1 एटीएम, यानी सांद्रण, ताप और दाब आपका फिक्स था। इसमें आपका कोई फिक्स नहीं है सामान्य इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में, आप किसी भी ताप, किसी भी सांद्रण, किसी भी दाब पर आप निकालने के लिए स्वतंत्र हैं। तो टी 298 केल्विन इज नॉट इक्वल टू, इसका मतलब ताप आप 98 ले चाहे 99 ले चाहे 500 ले, ठीक है। उसके बाद सांद्रण भी आपका फिक्स नहीं है कि 1 मोल लेना है। इसमें आपका
दाब भी फिक्स नहीं है कि वन एटीएम लेना है, देखो काट दे रहे हैं बाबू, इन्हें फिक्स नहीं है। जबकि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में आपका फिक्स है कि इतना ही पर आपको ज्ञात करना है। अब इसमें है कि से आप जितना पर ज्ञात करें, इसमें आपका फिक्स नहीं है। जबकि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में इलेक्ट्रोड विभव निकालने के लिए ताप 298 केल्विन, सांद्रण 1 मोल, दाब आपका 1 एटीएम फिक्स कर दिया गया है, जिस पर ही आपको निकालना है। जबकि सामान्य इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में ताप, दाब और सांद्रण को फिक्स नहीं किया गया, जितना आप निकाले। ठीक है, इसको नोट करें बाबू। चलेंगे देखेंगे, क्लियर है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के भागों में, दो भागों में इसको हम बांटे। और यह बताएं कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में ताप, सांद्रण और दाब आपका फिक्स है, जबकि इसमें ताप, सांद्रण और दाब फिक्स नहीं। आप जितना पर निकाल सकते हैं बाबू इसको निकालें, लेकिन इसमें आपका फिक्स है कि इतना ही पर ज्ञात करना है। इसको ज्ञात करने के लिए, मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए आपको NHE यानी नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या सिंपल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से ज्ञात की हेल्प से, की सहायता से आप ज्ञात करेंगे, सहायता से ज्ञात किया जाता है, किया जाता है। समझेंगे बाबू, मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने किसके सहायता से ज्ञात किया जाता है, तो देखो NHE या SHE यानी नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या सिंपल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से आप ज्ञात कर सकते हैं। इसमें आपको E किसके सहायता से निकलेगा बाबू, नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकलेगा आपको किसके सहायता से, नरस्ट समीकरण से, नरस्ट समीकरण के सहायता से, नरस्ट समीकरण की सहायता से आप नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सहायता से ज्ञात कर सकते हैं, यानी ज्ञात किया जाता है। तो इलेक्ट्रोड भी हो दो भागों में बांटे बाबू, स्टैंडर्ड और नॉर्मल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में आपका ताप, दाब और सांद्रण फिक्स किया गया। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड विभव को ज्ञात करने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या सिंपल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ना पड़ेगा। इसके सहायता से हम स्टैंडर्ड निकालेंगे और इसके सहायता से हम नॉर्मल निकालेंगे नरस्ट समीकरण की सहायता से। तो इसको स्क्रीनशॉट लें तो फिर आगे बढ़ते हैं बाबू। चलो बाबू आगे देखते हैं, हम पढ़ते हैं आगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोड देखेंगे बाबू। स्टैंडर्ड मीन्स मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ते हैं, इसको हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे बाबू, शॉर्ट में लिखेंगे SHE। SHE के मतलब हो गया स्टैंडर्ड, S से हो गया हाइड्रोजन, E से हो गया इलेक्ट्रोड, या इसको आप लिख सकते हैं नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इसको बोलेंगे बाबू सामान्य हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको हम बोलेंगे बाबू शॉर्ट में क्या लिखेंगे, इसको NHE नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या इसको हम बोल सकते हैं जनरल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, GHE। अब सुनेंगे बाबू, ध्यान देंगे इसको कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव क्या है, चाहे पूछे कि सामान्य हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव क्या है, इसको शॉर्ट में SHE या NHE या GHE। तो सबसे पहला बात आप समझेंगे कि हाइड्रोजन जो है वो गैसीय होता है। सबसे पहला बात कि हाइड्रोजन कौन अवस्था में, गैस अवस्था में पाए जाते हैं। इस
के बाद आप देखेंगे हम पिछले वीडियो में इसका लिखे थे रिडक्शन इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल हाइड्रोजन का कि +0.00 वोल्ट होता है। तो अगर इसका ऑक्सीडेशन मान लो कि रिडक्शन इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है, यहां समझेंगे बाबू देखेंगे कि रिडक्शन इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल इसका क्या होता है। रिडक्शन इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल होता है +0.00 वोल्ट होता है, तो इसका ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या होगा -0.00 वोल्ट। तब बताओ बाबू +0 लिखे चाहे -0 लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप तीन में अगर जीरो जोड़ते हैं तो तीन होता है, तीन में जीरो घटाते हैं तीन होता है, तो प्लस लिखे चाहे माइनस लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अर्थात वही चीज है। तो यानी कहने का मतलब कि हाइड्रोजन जो गैस है वह ऑक्स रिडक्शन इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल तथा ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल दोनों प्रदर्शित करता है। आप देखेंगे ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या है, एनोड है, एनोड होगा, और रिडक्शन इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या होगा, कैथोड होगा। तो दूसरा बात समझेंगे बाबू कि हाइड्रोजन मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन जो है या हाइड्रोजन जो है कैथोड और एनोड दोनों का कार्य करेगा, क्योंकि रिडक्शन इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल दोनों इसका समान है, तो समान है तो एक कैथोड और एनोड दोनों का कार्य करेगा। पहला बात कि यह गैसीय होता है, दूसरा बात कि इसका रिडक्शन इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल तथा ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल समान होता है, दूसरा बात कि यह कैथोड, तीसरा बात कि इसका कैथोड और एनोड या कैथोड और एनोड दोनों रूपों में कार्य करता है। अब एक बात समझेंगे यहां कि अगर हम डाले थे किसी कंटेनर में ZnSO4 का विलयन और इसमें डाले थे जिंक, तो जिंक का रड खड़ा था तो गैस खड़ा कैसे खड़ा होगा वो हम आगे देखेंगे। तो इसका जब हम रिएक्शन किए थे तो हमको मिला था Zn+2, यानी जिंक को डालने से क्या मिला था Zn+2। तो हाइड्रोजन को जब डालेंगे तो हमको क्या मिलना चाहिए, H+ मिलना चाहिए, यानी 2 मिलना चाहिए। अब देखो बाबू कि जिंक डाले थे तो हमको क्या मिला था Zn+2, तो हाइड्रोजन डालेंगे तो H+ हमको मिलना चाहिए। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए ऐसा विलयन लेना है कि वह यदि टूटे तो हमको H+ दे। तो क्या हो जाएगा बाबू, HCl होगा विलयन, HCl, क्योंकि HCl टूटेगा तो H+ और Cl माइनस। नहीं समझा, फिर से देखेंगे कि किसी विलयन जैसे जिंक का हम रड डाले तो ZnSO4 क्यों डाले, क्योंकि जब ZnSO4 टूटे तो Zn का आयन दे। तो अगर हम हाइड्रोजन का जब इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो वैसे विलयन में डालेंगे कि हमको H+ दे। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन के लिए बताओ HCl हम डाल सकते हैं। अब रहा बात की ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल और रिडक्शन इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल दोनों प्राप्त करता है, यानी दोनों मान इसका समान होता है। तो बताओ इसको ऐसे हम दर्शा सकते हैं, क्यों दर्शाएंगे बाबू, क्योंकि यह कैथोड और एनोड दोनों का कार्य करता है। इस रिएक्शन को कहते हैं रिवर्सिबल यानी उत्क्रमणीय अभिक्रिया, और उत्क्रमणीय अभिक्रिया आपको पता है कि जिसमें रिटर्निंग क्षमता होता है। जैसे बना लिए हम क्या बाबू कि H2 से बना लिए H+, तो फिर H+ से हमको H2 मिल जाए, तो ऐसे को रिएक्शन को हम बोलते हैं रिवर्सिबल, और अगर एगो से एगो नहीं मिले तो इसको बोलते हैं इरिवर्सिबल। तो सबसे पहले समझेंगे कि इस चीन को हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी इससे ही मिल गया और इससे ही मिल गया। इसका मतलब है कि इस रिएक्शन में रिटर्निंग क्षमता है, अगर H2 से H+ मिल रहा है तो मान लो कैथोड को मिल रहा है, अगर H+ से हमको H2 मिल रहा है तो एनोड यानी कैथोड एनोड दोनों कार्य करता है। इसका मतलब है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन संपन्न हाइड्रोजन कराता है। तो पॉइंट लिखेंगे बाबू, समझेंगे यहां पॉइंट लिखेंगे इसके लिए हम। पहला पॉइंट लिखेंगे इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं बाबू, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या सामान्य हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो इसको पढ़ें
पॉइंट हम लिखते हैं कि यह एक गैसीय होता है, यह एक गैसीय होता है। पहला पॉइंट यह क्या होता है बाबू, गैसीय होता है। दूसरा पॉइंट कि यह या इसमें H2 गैस है, इसमें H2 गैस है, गैस है जो इलेक्ट्रोड का कार्य करता है, जो इलेक्ट्रोड है लिख देते हैं, इसमें H2 गैस है जो इलेक्ट्रोड है। तीसरा पॉइंट बाबू, अब बताओ इसका ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं। तो क्या लिखेंगे कि इसका यानी हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बराबर रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो कितना के बराबर होता है बाबू, 0.00 वोल्ट के बराबर होता है। देखा इसका, अगर देखो प्लस जीरो लिखो चाहे माइनस जीरो लिखो तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों तो समान हो गया। अब देखेंगे बाबू चौथा पॉइंट इसका है कि यह जो है, अब बताओ यह इस पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है रिडक्शन भी हो रहा है, तो इसका मतलब है कि यह कैथोड और एनोड दोनों रूपों में कार्य करता है। तो क्या लिखेंगे कि यह कैथोड एवं एनोड दोनों रूपों में उपयोग किया जाता है। यानी इसका यह कैथोड एवं एनोड दोनों रूपों में उपयोग किया जाता है। इतना उतारे तो फिर आगे बढ़ते हैं बाबू। चलो पहला देखेंगे कि यह एक गैसीय होता है, इसमें H2 गैस है जो इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बराबर होता है जो प्लस 0.0 वोल्ट होता है, या कैथोड एवं एनोड दोनों रूपों में उपयोग किए जाते हैं। आगे देखते हैं बाबू, अब बताओ हमको स्कूल में बोले थे हम क्या बाबू, इसका मतलब इसको आगे लिखते हैं चौथा पांचवा पॉइंट हम क्या बोले थे कि अगर हाइड्रोजन का अगर जिंक का डाले थे इलेक्ट्रोड तो हमको मिला था जिंक प्लस 2, तो अगर H को हाइड्रोजन को डालेंगे तो हमको H+ मिलना चाहिए। तो यानी कहने का मतलब कि वैसा विलयन लेना है, वैसा वैद्युत अपघट्य पदार्थ लेना है जो टूटने पर H+ देता है, यानी वैसा विलयन लेना है जो क्या बाबू, वैसा विलयन ले जो H+ दे। तो क्या लिखेंगे कि इसमें HCl HNO3, इसमें HCl HNO3 HF वैद्युत अपघट्य के रूप में उपयोग होता है। क्यों होता है, इसलिए बाबू कि अगर H2 को हम डाले तो हमको क्या दे दे H+, और H+ फिर हमको क्या दे दे H2 दे दे, यानी HCl टूट करके हमको क्या देगा, HCl अगर टूटेगा तो हमको क्या देगा H+, यानी जिस तरह से जिंक को हम डाले थे तो Zn+2 दिया था, उसी तरह से अगर हाइड्रोजन को हम डालें HCl में, जैसे इस तरीके से अगर डालें हम इसको हाइड्रोजन को किसमें HCl में, तो हमको यह टूट करके क्या दे H2 से हमको H+ में दे, यही रिएक्शन होगा। तो उसी प्रकार जिस प्रकार जिंक को हम डाले थे ZnSO4 में, किस लिए डाले थे कि जिसका रड रहता है उसी का वह विलयन रहता है, तो जब ZnSO4 में जिंक टूटा था तो Zn+2 दिया था,
तो यहां पर अगर हाइड्रोजन को हम HCl में डालेंगे तो H प्लस हमको देगा। तीसरा पांचवा छठा पॉइंट देखेंगे बाबू, यहां पर आप देखेंगे कि E नॉट H2 और H प्लस हमको कितना होता है बाबू 0.00 वोल्ट, तथा E नॉट H प्लस H2 हमको कितना होता बाबू, ये हम लिख सकते हैं 0.00 वोल्ट, यानी माइनसो लिखेंगे तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं है, होता है ये हम लिख रहे हैं सब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पॉइंट। अब देखेंगे बाबू इसमें, इसको नोट करें तो फिर आगे लिखते हैं बाबू। चलो बाबू लास्ट पॉइंट समझेंगे इसमें, लास्ट पॉइंट समझेंगे बाबू कि इसमें ताप 298 केल्विन, सांद्रण आपको 1 मोल, दाब आपको 1 एटीएम, आईयूपीएसी के आधार पर, आईयूपीएसी के आधार पर, आधार पर E नॉट H2 H प्लस बराबर हमको क्या दिया गया बाबू, E H2 बराबर दिया गया प्लस 0.0 वोल्ट, यही ना मिला हमको, कितना केल्विन ताप पर, 98 केल्विन ताप, 298 केल्विन, 1 मोल, 1 एटीएम, आईपीएससी के आधार पर। जैसे देखो आईपीएससी के बार बार चर्चा इसलिए आता है कि यह जो वैल्यू है 0.00 वोल्ट, कोई हम लोग नहीं दिए हैं, कोई व्यक्ति नहीं दिया गया है, आईपीएससी ने ही इसको इतना फिक्स किया है जो रिडक्शन इलेक्ट्रोड विभव का कार्य करता है। जबकि आप याद रखेंगे एक बात कि हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जो जिसका ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड विभव तथा रिडक्शन इलेक्ट्रोड विभव समान होता है। अब आप देखेंगे इसका फिगर बाबू, पॉइंट आपका हो गया, पहला पॉइंट हो गया कि यह गैसीय होता है, इसमें H2 गैस होता है। दूसरा तीसरा हो गया कि यह कैथोड एनोड के रूप में, दोनों के रूप में कार्य करते हैं, इसका ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड विभव तथा रिडक्शन इलेक्ट्रोड विभव समान होता है, इसमें ताप 298 केल्विन, सांद्रण 1 मोल, प्रेशर 1 एटीएम, आईपीएसी के आधार पर इसको इतना फिक्स किया गया।